दोस्तों अभी तो गाड़ी मेरा खाली हुआ नहीं, अभी भी खड़े लाइन पे दे सकते हैं, पूरा आगे गाड़ी खड़ा है। दोस्तों ये कूलर का पाइप हमारा क्या है कि कभी कभी जाम हो जाता है तो उसको खोल के साफ करना पड़ता है। ये भी एक उस्ताद है जो आप कल आए हैं, परसों का खाली हो जाएगा। गर्मी में सब परेशान है, सब जहाँ तहाँ गाड़ी लगा करके नीचे सोया हुआ, कोई कहाँ सोया हुआ है। तो इन लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इन लोगों से भी कर रहे हैं कि भाई कुछ कोशिश कीजिए, जो हमारा गाड़ी खाली करवा दीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज रहा है और हम आ चुके हैं पतरातू। आप लोगों को मालूम है पिछला ब्लॉग में आप देखे थे कि हम लोग धनबाद से माल भर के लोकल आए थे पतरातू के लिए, तो प्लांट में तो आ गए हैं और अंदर हमारा गाड़ी भी हो चुका है। लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम चल रहा है कि पहले से 2-3 गाड़ी यहाँ पर खड़ा है, वो सभी खाली नहीं हुआ, कोई 1 दिन से कोई 2 दिन से, और भी कई गाड़ी है और गए अलग अलग माल है। खैर अलग अलग माल का कोई मतलब नहीं है, जो अपना माल का गाड़ी है हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो हमारा जो माल है वही माल का 2 गाड़ी और पहले से खड़ा है, तो वो सब खाली हुआ नहीं है। तो लोग बोल रहे कि आज करके खाली हो रहा है सर, अब देखते हैं क्या होता है। हमारे साथ भी हम भी आज आए हुए, कल संडे पड़ रहा है, हम भी पार्किंग अंदर ले आए हैं, गाड़ी खड़ा कर दिया, देख सकते हैं बहुत सा गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों हम तो जाके ठंडा पानी ले आए, तो यहाँ पे थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, बाहर बाजार है वहाँ से जाके लेके आए। नहीं जी दोस्तों अभी 2 हम ठंडा पानी बोतल ले आए, तो पापा बोल रहे हैं कहाँ रखेगा ठंडा होगा, तो हम उसको कूलर के अंदर डाल देंगे। उससे क्या है कूलर के अंदर पूरा ठंड रहता है, देखिए ठंडा है पूरा, तो इसको डाल देंगे तो थोड़ा देर तो रहेगा ही पानी के अंदर। इसको वापस लगा देंगे, उल्टा हो गया, अब ये लग गया है, अब इसको जैसे था ये वैसे कर देते हैं। पानी भी इसके अंदर बहुत भर दिए थे, ये देखिए पूरा भरा हुआ है। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक वो तो लेके आ गया बाहर से, थोड़ा पी लेते हैं। यहाँ पर भी धूप बहुत ज्यादा है, लगता है कि अगर खड़ा रहना पड़ गया तो बहुत समस्या। यहाँ एक वो सबसे बड़ा टेंशन है कि अगर 2-3 दिन खड़ा रह जाएगा तो बैटरी का भी दिक्कत हो सकता है, और नेटवर्क भी एकदम नहीं है। ब्लॉक बनने का तो बन जाएगा लेकिन डाल नहीं पाएंगे, ये समस्या आ जा रहा है। दोस्तों अभी तो गाड़ी मेरा खाली हुआ नहीं, अभी भी खड़े लाइन पे दे सकते हैं, पूरा आगे गाड़ी खड़ा है। और हमारे साथ में गाड़ी था वो लग रहा है कि आगे गया है, वो खाली करने गया कि क्या करने गया है, और भी गाड़ी सब लगा हुआ साइड में पूरा। अब हमारे एक सब्सक्राइबर भाई भी मिले यहाँ पे, तो इनसे भी थोड़ा सा हम जानकारी ले रहे कि भाई यहाँ कुछ सिस्टम बताइए, तो ये भी बता रहे वही कि जैसे बारिश हो रहा है तो माल बाहर रख नहीं सकते हैं, कहीं सेट वगैरह जो हम लोग लगता है सेट जहाँ रखता है वो फुल हो चुका है, इसके लेकर के। देखिए हमारे सब्सक्राइबर भाई आए हुए हैं, और भाई क्या यहाँ बताइए कुछ कितना दिन में निकलेंगे यहाँ से खाली करके? बस भाई जान लो यहाँ 1-2 दिन तो लग ही जाएगा कम। एक दो दिन रखवा लीजिएगा, 1-2 दिन लगेगा भैया यहाँ पे। अच्छा बारिश का मौसम है, सेट अगर फुल हो गया होगा सेट दूसरा बनेगा, नहीं तो कुछ दूसरा पार्टी माल लेगा तो उसको तुरंत खाली कराया जाएगा। थोड़ा आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए और थोड़ा सा खाली करा भेजिए जल्दी, कोशिश भरपूर कर रहा हूँ, कंपनी फोन लगा रहा हूँ जिसका माल है। चलिए इतना मेहरबानी कीजिए भाई। नहीं नहीं भाई आपको गाड़ी खाली करवा तभी भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, और भी हमारे कई सब्सक्राइबर है यहाँ पर, वो मिले थे बाहर गेट में भी, वो भी सब शाम को आएंगे, सब शाम में और आएंगे, वो भी बोल रहे थे हमको कि चलो ठीक है हम देखते हैं कौन साहब का ये करके पता करते हैं, तो जितना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा रहेगा हमको भी यहाँ से। दोस्तों ये कूलर का पाइप हमारा क्या है कि कभी कभी जाम हो जाता है तो उसको खोल के साफ करना पड़ता है, तो अभी देखिए खोल दिए हैं, थोड़ा ये सबको भिंगा भी देते हैं ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये भी एक उस्ताद है जो आप कल आए हैं परसों, देखिए ये भी एक उस्ताद है जो फंसे हुए है यहाँ, खाली हो जाएगा। देखिए कल से तो बोल रहा है कल बोल रहा है। आप कब से आए हैं? परसों से। आप परसों से आ रही है, कल से आए हुए हैं? अभी जाकर और भी गाड़ी आ गया, देखिए कितना सारा, सब लोग यहाँ पे लेटे हुए भी है। गर्मी में सब परेशान है, सब जहाँ तहाँ गाड़ी लगा करके नीचे सोया हुआ, कोई कहाँ सोया हुआ है, सब मतलब हवाई सब खोज रहा है कहाँ मिलेगा, बहुत ज्यादा धूप है यार, गर्मी बहुत ज्यादा है। अभी पार्किंग भी पूरा भर गया, अब जो भी गाड़ी आएगा उनको बाहर में ही खड़ा रहना पड़ेगा। दोस्तों आज थोड़ा ज्यादा गर्मी किया हुआ इसलिए हम दोपहर में खाना भी नहीं बनाए, और जो सुबह नाश्ता किए थे बस वही खाए, और हम लोग को ये भी मिल गया था लीची, ये देखिए उधर लीची वगैरह यही सब खाली है, हमारा पेट भर गया है। तो अभी खाना नहीं बनाएंगे, अब सीधा शाम में ही खाना हम लोग बनाने वाले हैं। सब्जी भी ले लिए है, आलू और पटल लिए थे। कूलर का पानी भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, इतना भर के रखे थे देखिए पूरा खाली हो गया, अभी फिर इसको भरना पड़ेगा। हम लोग साइड में बोतल में हमेशा पानी भर के रखते हैं, वही पानी कूलर में डालते हैं। दोस्तों इधर से बहुत ज्यादा धूप आ रहा है, एकदम पैर जलने लग रहा है, सीट पर पैर रखते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी दे रहा है, तो इधर भी लगा देते हैं, हवा आने की इधर से हवा आएगा, पर्दा काम करिए, इधर भी पूरा पर्दा लगा के रखे हुए हैं। अभी हमसे पहले जो गाड़ी आया था वो लोग भी नहीं गया खाली करने, वो भी खड़ा, वो भी पूछे अभी तो बता शाम में, देखते हैं क्या होता है शाम में। दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुका है और अभी तक हम लोग खड़े हैं, हमारा कोई भी गाड़ी नहीं गया, पहले का भी जो गाड़ी था वो भी यहीं पे खड़ा है। तो हमारा कुछ सब्सक्राइबर भाई भी आए हैं मिलने के लिए, तो इन लोग का भी यहीं पे रहते हैं, तो इन लोग बता रहे हैं कि आज नहीं हो पाएगा जी, आज थोड़ा सा कुछ कारण की वजह से कुछ आपका जो मटेरियल जगह नहीं हो रहा उसके लिए BHEL वाले शिफ्टिंग कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल आपका गाड़ी
पॉसिबल होगा। चले एक दिन से दो दिन तक चलता है, एक से दो दिन, चार पांच दिन के नाम से डर लगता है। आपका मटेरियल भी वैसा कुछ नहीं है कि आपको टाइम लगेगा, आज से कल तक में चांस है कि आप 100% माल भी हल्का है, तुरंत खाली भी हो जाएगा, कोई हेडरा किराना वाला माल है। एनटीपीसी और बीएसएल की तरफ से किसी तरीके का कोई भी शिकायत और कोई भी आपको मिलेगा नहीं, आप हमेशा आएंगे, आपका काम हो जाएगा। चलिए चलिए ठीक है, एक से दो दिन में आपका काम हो जाएगा। जल्दी कराइए भाई आप लोग सब, थोड़ा यही चाहेंगे कि आपका काम हो जाए। ट्रांसपोर्ट लाइन के लिए हम लोगों को बहुत जानकारी आपसे मिल जाता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ये। जी वो तो बात है। चलिए देखिए, आपका प्यार सपोर्ट मिलता तभी हमेशा, जनता का प्यार हमेशा आपके साथ है। और एनटीपीसी और बीएचएल का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में आपको बराबर आने का मौका मिले, हम लोग ऊपर वाला से यही चाहिए। दोस्तों आज दोपहर में तो खाना हुआ नहीं था हम लोग का, तो यहाँ पर बता रहे हैं लोग कि कैंटीन बहुत अच्छा है और सस्ता मिलता है, तो चलते हैं। अब आए तो कैंटीन में चेक करते हैं यहाँ का खाना नाश्ता भी। दोस्तों अभी कैंटीन में आ चुके हैं, ये देखिए हमारा नाश्ता आ गया, समोसा भी छोड़ चुका, डोसा भी है, ये लस्सी तो खैर गर्मी में पीना भी चाहिए। दोस्तों अभी हमारा तो नाश्ता ये हो जाएगा, दोपहर में हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, थोड़ा ज़्यादा भी खा ले रहा, और कैंटीन भी बहुत ज़्यादा साफ सुथरा है, देख सकते हैं ना पापा, कैंटीन ऐसे ही होना चाहिए। दोस्तों अभी हम लोग कैंटीन से तो आ गए, लेकिन ये तो आज पक्का हो गया कि आज हमारा गाड़ी खाली नहीं हो पाएगा, अब जो होगा कल ही होगा, तो गाड़ी तो लॉक करके गए थे। अभी आते वक्त उधर भी देखे, उधर थोड़ा नेटवर्क आ रहा था, इधर साइड नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी को निकाल के इधर थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं, ताकि हवा आते रहे, इधर साइड से खुला जगह, इसलिए बीच में हमारा गाड़ी फंस गया था, इसलिए साइड में रखेंगे, तो जब भी बुलाएंगे तो हम लोग गाड़ी लेके निकल जाएंगे। दोस्तों हमसे पहले जो दो गाड़ी आया था, दोनों गाड़ी तो अभी चला गया, ऐसे भी हमको बोल रहा था शाम में हो जाएगा, शाम में हो जाए करके, तो दो गाड़ी गया, तो मतलब जो कंपनी का हम माल लेके आया, मेरा एक अकेला एक ही गाड़ी रह जाएगा, तो हो सकता है वो दोनों गाड़ी खाली हो जाए, तो मेरा कल हो जाएगा मेरा। दोस्तों आज रात का हमारा खाना है आलू पटल, यहाँ पर देखिए आलू पटल मिल रहा था बाहर गेट में, ले लिए, सोच रहे दिन में तो कुछ खाना हुआ नहीं हम लोग का, शाम में हल्का नाश्ता किए थे कैंटीन में, उसके बाद समय है यहाँ पे, समय मिल गया। चलिए ये देखिए प्याज वगैरह सब काट के रेडी है, अब जा रही है सब कट उठ के रेडी है, सब धोगा के बनाते हैं आलू पटल। दोस्तों आलू पटल का सब्जी बनाने में पहले पटल को भून के निकालना पड़ता है, ये देखिए मेरा पटल हो चुका है, इसको निकाल दे रहे हैं। दोस्तों पटल तो मेरा हो गया, अब जा रहे हैं इसका प्याज लहसुन मिर्चा जो है वो भूनने के लिए, वो भून के निकालेंगे। मेरे बगल में भी गाड़ी खड़ा है, वो भी बेचारा खूब पंखा उनका चलाया है, तो अभी स्टार्ट किया है वो भी बैटरी चार्ज करने के लिए, जानता है सब गर्मी में रह नहीं पाएंगे बिना पंखा का, गाड़ी स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अभी हम भी राउंड बना लेंगे फिर एक बार स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा ये भी चला इसमें, दोस्तों मेरा पटल प्याज सब्जी सब भून चुका है, अब जा रहे हैं मसाला डालने के लिए, ये हल्का फुल्का मसाला डाल देते हैं। दोस्तों सब्जी तो मेरा बन चुका है, ये देखिए पूरा तगड़ा सब्जी बन गया मेरा। दोस्तों मेरा आलू देखिए गल गया है, काट के पूरा देख ले रहे हैं, पूरा इजी हो गया। अब पटल तो खैर जब तलते उसी टाइम हो जाता है, अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं क्योंकि गर्म में खा नहीं पाएंगे, ढक के रख देते हैं। ये देखिए अब गैस भी बंद करना है। दोस्तों खाना तो बन गया, अब जा रहे बाहर जाके ठंडा पानी बोतल ले आते हैं, अभी पूरा फैक्ट्री खाली खाली लग रहा है, सब लोग चले गए। दोस्तों अभी रात के 9 बज गए थे, इसलिए सारा दुकान बंद हो गया है, देखिए सब बंद हो गया, अब चलते हैं वापस, ठंडा पानी नहीं मिलेगा अब। दोस्तों अभी पापा गाड़ी स्टार्ट कर दी है बैटरी चार्ज करने के लिए, दोस्तों गाड़ी का बैटरी भी चार्ज कर लिए, अब चले अब खाना खाने के लिए, अब फैक्ट्री सारा बंद हो चुका है, यहाँ कोई काम नहीं रात में, और हम ही लोग हैं यहाँ पर, सुबह का इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो गाड़ी जो खाली होने की अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला हमको, खाली हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वापस आया नहीं अभी तक। दोस्तों कूलर चालू कर लेते हैं, कूलर तो घर बहुत जान बचा रहा है गर्मी में हम लोग का, मतलब पूरा पैसा वसूल। दोस्तों खाना तो अपना हो गया, अब जा रहे सोने के लिए, मिलते हैं आप लोग से सुबह। दोस्तों अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग उठ चुके हैं, और काफी ज्यादा धूप भी हो गया है सुबह सुबह, और आज संडे है फिर भी देखिए कितने लोग आ रहे हैं। दोस्तों संडे का भी काम यहाँ चालू है, यहाँ पर क्या कि एक्चुअली में यहाँ पे काम अभी चालू है, मतलब कि बिजली जो पैदा करने वाला है वो मशीन उसी सब फिट हो रहा है अभी। तो एक चीज तो हमको अच्छा लग रहा है कि मतलब संडे को भी मतलब हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि संडे को भी हमारा दो गाड़ी कल गया था, अभी तक हमको रिपोर्ट मिला नहीं, अभी लोग फोन लगाने वाले हैं हम कि क्या वो रात में खाली हो गया कि निकल गया वो लोग रात में, ये भी हो सकता है, तो ये 24 घंटा यहाँ पर निकाल बाहर गाड़ी होता है यहाँ पे। तो कहाँ पहुँच गए अभी आप लोग, खाली कर गए? रांची पहुँच गए, मतलब रतियों में खाली कर देता है ना, वहाँ गर्मी है तो रतियों में यही सब काम ज्यादा करता है लोग। दोस्तों धूप तो बहुत कड़ा होने चल रहा है धीरे धीरे, और हम जा रहे ब्रश करने के लिए, ब्रश तैयारी करते हैं, देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है, ऐसे लगता है रात में ज्यादा खाली करेगा ये लोग, क्या जो लोग भी दिन भर खड़ा था शाम में ही जाता। दोस्तों अभी ब्रश तो कर लिया, अब जा रहे बाहर, बाहर तो सारा दुकान भी खुल गया होगा, कुछ नाश्ता लेके आते हैं, ये सब गाड़ी का अभी तक नंबर भी नहीं आया, ये लोग खड़े हैं। दोस्तों अभी यहाँ पे आके तो बैठे हुए, अभी नाश्ता बना नहीं है, नाश्ता बनेगा तब लेके जाएंगे। 5 पीस पूरी दे दीजिए और 2 पीस जलेबी दे दीजिए।
दोस्तों अभी नाश्ता लेकर आ गया सागर बाहर से और मेरा रात का सब्जी कुछ बचा हुआ था, बहुत ही अच्छा सब्जी बना था तो हम उसी साथ खाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी दो तीन जगह बातचीत हुआ हमारा कि खाली करने के लिए, तो बोले कि आज संडे, लेकिन फिर भी लेकिन काम चल रहा है यहाँ पे, तो हो सकता है कि आज शाम तक मेरा भी हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा। 80% उम्मीद रखते हैं कि आज हमारा भी रात में हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट ब्लॉग देखने मिलेगा कि आज हमारा गाड़ी खाली हो रहा है कि नहीं, और आगे सफर हमारा कहाँ का रहेगा। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।